है, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द किया गया। पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। जातीय गणना के बाद सीमा बढ़ाई गई थी और आपको बता दें कोर्ट ने यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में आदेश दिया। पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द। जातीय गणना के बाद बढ़ाई गई थी सीमा, हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया। पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा लागू रहेगी, यानी कि 50% से बढ़ाई गई थी सीमा, 65% कर दी गई थी आरक्षण की सीमा। और इसी मामले को पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। बता दें आपको आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जातीय गणना के बाद ये सीमा बढ़ा दी गई थी, यानी कि बता दें आपको कि पूर्व निर्धारित आरक्षण की सीमा अब लागू रहेगी। 50% से ज्यादा बढ़ाई गई थी सीमा और इसको 65% कर दी गई थी आरक्षण की सीमा। तो आपको बताते चले कि ये अब पुराना जो आरक्षण का सीमा था वही लागू रहेगी। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर के पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए ये पूरा मामला जो है वो पटना हाईकोर्ट में याचिका थी, इस पर आज सुनवाई किया है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। और जो पेटिशनर थे, याचिकाकर्ता थे, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं गौरव। उन्होंने ये याचिका लगाई थी, नवंबर में ये याचिका दायर की गई थी। जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी जातीय जनगणना के बाद, जो है बिहार सरकार ने जो निर्धारित जो आरक्षण का सीमा है 49.5%, वो बढ़ाकर के 65+10 किया था, यानी कि 75% जो है आरक्षण की सीमा कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध में ये कोर्ट का दरवाजा, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था गौरव ने। और आज उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि जो नियमावली है, जो पूर्व से संविधान में जो नियमावली कहता है, उसके तहत 49.5% ही सीमा जो आरक्षण की है, जो पूर्व से निर्धारित है, वही लागू रहेगी बिहार में। राज्य सरकार ने जो सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया 65% + 10%, वो लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिहार सरकार के जो आरक्षण बढ़ाने का जो निर्णय था। अमित, आपको रोकना चाहूंगी, याचिकाकर्ता के वकील गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आपसे जानना चाहेंगे कि याचिका में आखिर क्या कुछ आप लोगों ने कहा था। नमस्कार मैम, एक्चुअली राज्य में जो था शिक्षण संस्थान और जो रोजगार है जी, उसमें सरकारी शिक्षण संस्थान और रोजगार, सरकारी रोजगार में पहले यहाँ पे 49.50% का आरक्षण का प्रावधान था, जो सामाजिक आर्थिक तबके से आते लोग हैं, है ना। जो इंदिरा सानी केस है 1992 का सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% जो भी सरकार है, जो भी राज्य सरकार है, वो कोई भी आरक्षण लाना चाहती हो राज्य में, तो वो 50% के अंदर ही ला सकती है। यानी टोटल वैकेंसी या टोटल सीट का 50% से ज्यादा वो बियॉन्ड नहीं जा सकती। तो राज्य में क्या किया, राज्य में दो कानून लाए गए, एक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए और एक रोजगार में देने के लिए। इन्होंने 49.5% को बढ़ा के 75% कर दिया। और तो हमने इसी ग्राउंड पे गया, पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया इस दोनों कानून को, कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14 और 16 को वायलेट करती है। और वो लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी केस और रिसेंटली कुछ साल पहले 2018 में शायद मराठा केस में ये रूल लेट डाउन की गई, 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। और यही जो अभी जज साहब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बेंच जो है, उन्होंने जो जजमेंट दिया अभी, यही बताया कि जो आर्टिकल 14-16 का वायलेशन है और जो 50% रूल है जो लेट डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसका क्लियरली वायलेट कर रहा है ये दोनों कानून, इसलिए दोनों कानून को निरस्त किया गया। तो आपने जो रेफरेंस दिए हैं गौरव जी, तो क्या अब यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में फिर इसका तोड़ नहीं निकल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिसेंटली 2018 में मराठा जजमेंट में अपहेल्ड किया, और ये जो मराठा केस था उसमें ये भी कहा जा रहा था कि इसको लार्जर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जैसे 9 जजेज बेंच थी, तो इंदिरा सानी की केस थी वो, उसमें 9 जजेज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जिसने ये 50% का लॉ लेट डाउन किया था। जब मराठा जजमेंट आया जो 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुन रही थी कि जो 50% रूल महाराष्ट्र में वायलेट किया गया वो सही है कि नहीं, संवैधानिक सम्मत है कि नहीं है। और तो जो वकील थे महाराष्ट्र सरकार के तरफ से, उन्होंने कहा कि ये कोई सैक्रोसेंट रूल नहीं है जो वायलेट नहीं हो सकती है और संविधान के खिलाफ है, तो 50% जो है ये के जो लॉ है ये लेट डाउन होना चाहिए, क्योंकि संविधान में इसका कहीं प्रोविजन नहीं है। ये लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए, जो 9 जजेज बेंच से भी बड़ी बेंच हो वो सुने इसको, और 50% के जो लिमिट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, उसको ब्रेक किया जाए, उसको बढ़ाया।
तो सुप्रीम कोर्ट ने मराठा जजमेंट में क्लियरली कहा कि यदि हम 50% के ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये संविधान के खिलाफ होगा और जो आर्टिकल 14 और 16 है उसके भी खिलाफ होगा संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने भी यही प्रयास किया था कि 50% रूल को ब्रीच किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि राज्य सरकार इसका रिव्यू करे और 50% के नीचे ही आरक्षण का प्रावधान रखे। ऐसा कई सारे केस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है और अभी एक भी केस जो 1992 का इंदिरा साहनी का केस है अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जहां राज्य जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया हो कि नहीं ये आरक्षण नियम सही है। लेकिन गौरव जी, अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई तो क्या उस समय पहले से ये चीजें देखी नहीं गई सरकार की तरफ से कि 50 से भी ज्यादा % जो इसको कर दिया गया, एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया? ये एक्चुअली इन्होंने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया था राज्य में, सामाजिक गणना और आर्थिक गणना, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि अचानक से कोई बिना कंसल्ट, हमारा ये ग्राउंड भी था जब हम कोर्ट में बैठ करें कंसल्टेशन, कोई विदाउट एनी कंसल्टेशन की जो 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 तबका जिसको हम आरक्षण दे रहे हैं उसके तरफ से आवाज भी आई है कि नहीं आई कि उन्हें आरक्षण चाहिए, और या ऑलरेडी जिस तबके को आरक्षण मिल चुका है क्या वो भी बेनिफिट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वो भी मतलब ये कोई भी चीज को कंसीडर किए बिना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में राज्य सरकार इसको लाई थी। यानी कि अब तो पहले जो सीमा थी वो ही रहेगी, पूर्व निर्धारित जो आरक्षण की सीमा थी। ऑब्वियसली झारखंड हाईकोर्ट ने, झारखंड सरकार ने इसलिए इसको अभी इन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि ये जो नियम है, बहुत सारे सरकार 50% को जो रूल है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके हटाया। ठीक है गौरव जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए नीट परीक्षा से जुड़ी खबर, एससी में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है, छात्रों ने अब सीबीआई जांच की मांग कर दी है। देखिए बड़ी खबर, परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की गई है, साथ ही साथ सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई है। तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं नीट परीक्षा से जुड़ी, और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस मामले को लेकर के, नीट परीक्षा को लेकर के सुनवाई हुई, और आपको बता दें कि छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही साथ दोबारा से एक बार फिर से नीट परीक्षा कराए जाने की डिमांड जो है छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है।